ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन के युवक चिट्टे के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं। बहुत थोड़े समय में चिट्टा अपनी जड़ें सोलन शहर में मानो पाताल तक बिछा चुका है। यही कारण है कि नशे के सौदागरों को पुलिस प्रतिदिन सलाखों के पीछे पहुंचा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर अंकुश लगा पाना अभी पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। पुलिस के आला अधिकारी भी इसको लेकर बेहद चिंतित हैं। इसके लिए वे नशे के तस्करों को दबोचने के साथ साथ नशे की दलदल में अपने को झोंके चुके नशेड़ युवाओं को भी बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। सोलन के युवा चिट्टे के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं। बहुत थोड़े से समय में चिट्टा अपनी जड़ें सोलन शहर में मानो पताल तक बिछा चुका है। यही कारण है कि नशे के सौदागरों को पुलिस प्रतिदिन सलाखों के पीछे पहुंचा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर अंकुश लगा पाना अभी पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। पुलिस के आला अधिकारी भी इसको लेकर बेहद चिंतित है। इसलिए वे नशे के तस्करों को दबोचने के साथ साथ नशे की दलदल में अपने को झोंक चुके नशेड़ी युवाओं को भी बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने दो चिट्टा बेचने वाले दो युवाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाया है, जिसके पास से भारी मात्रा में चिट्टा बरामद हुआ है। अधिक जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने बताया कि सोलन पुलिस ने चिड़गांव निवासी प्रदीप से खुंडीधार के समीप 15.3 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। वहीं एक दूसरे मामले में पुलिस की टीम ने दोहरी दीवार पर गश्त के दौरान 39.42 ग्राम चिट्टा भी पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इस मामले में पुलिस ने कुल्लू निवासी अर्जुन के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। पिछले कल रात को दो केसों में सोलन पुलिस ने चिट्टा हीरोइन जो है उसको बरामद करने में सफलता पाई है। एक केस में प्रदीप कुमार उत्तर शेष राम गाँव थावचा पोस्ट ऑफिस रामपुर शहर से 15.03 ग्राम चिट्टा जो है वह बरामद किया गया है और इस संदर्भ में थाना सदर में 193/19 FIR जो कि 10 सितंबर 2019 को 21 NDPS एक्ट के तहत दर्ज की गई है, उसमें अन्वेषण जारी है। एक अन्य केस में अर्जुन सिंह सन ऑफ कृष्णचंद रेजिडेंट ऑफ चिड़गांव जिसकी उम्र 21 साल है उससे 39.42 ग्राम चिट्टा जो है वो बरामद किया गया है। आमतौर पर देख रहे हैं कि युवा जो है वो नशे में गिरता जा रहा है, उसके लिए सोलन पुलिस प्रयासरत है। मेरा आम नागरिकों से ये अनुरोध है कि वो हमें इनके बारे में सूचना दें, हम जो बेचने वाले हैं उनको पकड़ेंगे और जो बच्चे इस नशे में के दलदल में फंस चुके हैं हम आपकी मदद करेंगे उनको डिटेक्ट करवाने के। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।